गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ बलजीत कौर। मैं सेल्स प्रोफेशन में हूँ और मेरे सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं, सो मैं कैसे एक सुपर सेल्स पर्सन बन सकती हूँ? वेरी गुड बलजीत, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सेल्स टारगेट कैसे अचीव करें। वैसे दुनिया के अंदर ना बलजीत 80% जॉब जो है, मान लो अगर 1,00,000 जॉब है तो 80,000 जॉब सेल्स की होती हैं। उन 80,000 में ज़्यादा नहीं तो 60-70,000 लोग फंसे हुए हैं, टारगेट्स ही अचीव नहीं हो रहे हैं। तो वो उन सब के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, है ना। सेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, स्टार्ट करते हैं सेल्स टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। दूसरा आपने मुझसे बोला सुपर सेल्समैन, दो तरीके के सेल्समैन है, या तो सुपर सेल्समैन या थोड़ा बिजार वीक सेल्समैन। सुपर सेल्समैन की कोई सी 3 क्वालिटीज मैं ऐसी बताऊंगा जो अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली बलजीत, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्स कर सकते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स बना सकते हैं, है ना। बात करना शुरू करते हैं, 3 क्वालिटीज समझाऊंगा आपको, पर पहले थोड़ा सा आपसे थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछने चाहता हूं बलजीत। अभी आपने जैसे बोला कि सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं अचीव हो रहा है? दिमाग में जो विचार आते हैं ईमानदारी से बताओ। प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा है, मार्केट में कंपटीशन टफ है, जो स्कीम्स है प्रोडक्ट्स की वो अच्छी नहीं है, और कस्टमर्स के जो ऑब्जेक्शंस है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे जैसे कि प्राइस ज़्यादा है, डिस्टेंस है, और मार्केट्स में और भी वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो ये सब रीजंस की वजह से आप अपना सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो रोक कर अगर आपके जो टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे, अगर आप वो लिख देंगे, ट्रस्ट मी, मैं आपको बड़े अच्छे सॉल्यूशंस दूंगा। ये वर्कशॉप है, आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। वीडियो को रोक के कमेंट्स में लिखिए कि आपके सेल्स के टारगेट अचीव क्यों नहीं हो रहे हैं, या आपके कोई भी टारगेट्स हो सकते हैं बिजनेस के, स्टडी के, वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, लिख डालिए क्यों नहीं अचीव हो पा रहे हैं। आगे बात करते हैं बलजीत, स्टार्ट करते हैं आगे। जब बलजीत ऐसा बोल रही थी कि सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत टफ है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कस्टमर सुनता नहीं है, जब ये ऐसा बोल रही थी तो ये आपको किस तरीके की व्यक्ति नजर आ रही थी? एक एक करके पूछना शुरू करते हैं। सर बहुत इररिस्पॉन्सिबल लग रही थी। इररिस्पॉन्सिबल लग रही थी, डीमोटिवेटेड लग रही थी, बहानेबाज लग रही थी, प्रोडक्ट को लेके उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेस था, इनका कन्विक्शन लेवल भी बहुत लो लग रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, ठीक है, बहुत नेगेटिव लग रही थी, बहुत। सर बलजीत बहुत वीक लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो सेल्स के लिए बनी ही नहीं है। सो बलजीत, अगर आप नोटिस करेंगे, जब आप ऐसी कन्वर्सेशन कर रहे थे कि सेल्स ना अचीव नहीं हो रही है क्योंकि, तो आप किस तरीके के व्यक्ति लग रहे थे लोगों को? ऐसे व्यक्ति लग रहे थे, मैं आपको बोलूंगा, बाहर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, पर बेच कैसा व्यक्ति रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके की पर्सनैलिटी वाला इंसान उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, ये नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज है, है ना। मैं आपको 3 पॉइंट समझाता हूं, अगर आपको समझ में आ गए, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपने वो चेंजेस कर दिए, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। बलजीत मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपका कोई बच्चा है? नहीं, लग तो नहीं रहा, नहीं है। इमेजिन करो, मान लो आपका बेबी है, वो घर पे बैठा हुआ है, 2-3-4-5 साल का बच्चा है आपका, और वो घर पे बैठा हुआ है, वो बहुत भूखा प्यासा है और बहुत फूड नहीं मिल रहा है, तो अब आप क्या करोगे? बाहर से फूड अरेंज करोगे, या उसको जाके बोलोगे नहीं बेटा बाहर ना मार्केट बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत टफ है, पैसे नहीं है मेरे पास? तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपका बच्चा भूख से मर जाए? क्यों, मान लो बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर करोगे? या कर्फ्यू में भी लेके आओगे ना, ये छोड़ दे यार कर्फ्यू लगा बाहर। मैं कह रहा हूं चाहे कितनी ही बाहर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्या ना हो, आप उसको डील करके अपने बच्चे के लिए फूड लेकर आओगे, क्योंकि आपका स्टैंड है बच्चे के लिए, बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को यह नहीं बोल सकते हो वो बेटा वो बाहर ना, वो आज सब्जी मंडी में ना वो हड़ताल है आज,
ऐसा नहीं हो पाएगा। आपका बच्चा कभी भूख से नहीं मरेगा क्योंकि आपका स्टैंड है बच्चे के लिए, वहां पे एक्सक्यूज नहीं होते हैं। सो जब आपके लिए गोल आपका इंपॉर्टेंट होता है, आप ऐसे बहाने जो लोगों को भी लग रहा था, आई डोंट नो आपको लग रहा था नहीं लग रहा था, बहाने नहीं बनाते। नंबर वन समझ में आ रहा है, टेक अ स्टैंड फॉर योर गोल, नंबर वन पॉइंट समझ में आ रहा है। नंबर ये पहला बिहेवियर आपके पास होना चाहिए, भैया मेरा गोल है उसके लिए मुझे स्टैंड लेना है। नंबर टू, दुनिया में ना बलजीत दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो रिजल्ट ओरिएंटेड या रीजन ओरिएंटेड। अभी जो आपकी लैंग्वेज थी, भाई मैं आपका दिमाग कैसे रीड करूं, आपका दिमाग रीड करने का तरीका यही है आपसे क्वेश्चन पूछूं और आपसे आंसर लूं। आपका दिमाग रीड करके मुझे लगा आप रीजन ओरिएंटेड ज्यादा बिहेव कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में होगा, अगर वो रीजन ओरिएंटेड होगा कभी भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा रिजल्ट ओरिएंटेड। एक हल्का सा और एग्जांपल देता हूं, बीच में कुछ नहीं होता, ध्यान रखना बेटा, या तो कोई लेडी प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं होता कि बीच में नहीं है तो। सो या तो आप रीजन ओरिएंटेड बनोगे या आप रिजल्ट ओरिएंटेड। अभी दोनों में से कैसा बिहेवियर था आपका, अभी आपका इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है, अभी आपका बिहेवियर था रीजन ओरिएंटेड। अगर आप रीजंस दोगे तो कभी रिजल्ट नहीं दोगे। आप मार्केट में जाओगे, किसी भी बिजनेस में जाओगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, आएंगी। अगर आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले पे रख देते और कस्टमर आके अपने आप ही ले जाता तो आपकी जरूरत क्या थी। अरे बिजनेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स आएंगे, बिजनेस कर रहे हैं चैलेंजेस आएंगे। आपको जॉब पे इसलिए रखा है या आप बिजनेस में इसलिए कि उसको डील कर सकें, उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें। मेरी बात समझ आ रही है? सो रिजल्ट डिलीवर करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बहाने बनाना छोड़ दो, दिमाग लगाना शुरू करो कि कैसे रिजल्ट आएगा। दिमाग लगाना शुरू करोगे कि रीजन क्या है, रीजन मिलेंगे, मिल जाएंगे। दिमाग लगाना शुरू करोगे कि रिजल्ट कैसे आएगा, टारगेट अचीव कैसे होगा, तो निकल के आएगा आंसर, आंसर निकल के आएगा। इट इज इन योर हैंड, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। सो रिजल्ट ओरिएंटेड यहां बन गए ना बेटा, तो रिजल्ट की तरफ फोकस आएगा। वेर एवर योर फोकस गोज, ध्यान रखना, वेर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज रिजल्ट शोज। आपका फोकस अगर रीजन पे है तो क्या मिलेगा, रीजन। अगर आपका फोकस रिजल्ट पे है तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। नंबर टू समझ में आ गया आपको, मैंने बोला है रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति बनिए। नंबर थ्री, आपको बनना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टारगेट्स। अभी आप क्या कह रहे थे कि वजह मार्केट की वजह से, मतलब कहीं बाहर है, आपने बोला कंपटीशन की वजह से, वजह बाहर है, प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, कस्टमर की वजह से, वजह आपने बाहर टहराया, मतलब आप इरेस्पॉन्सिबल हो गए। सब प्रोडक्ट्स के अंदर यही चैलेंजेस आते हैं। आपको ये बोलना पड़ेगा मेरे प्रोडक्ट को बेचने की जिम्मेवारी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, जिम्मेवारी, जैसे आपने बोला जिम्मेवारी आपकी है, बहाने अपने आप छूट ही जाते हैं। फिर मान लो आपको यहां से नोएडा बैठे हैं कर्नाट प्लेस जाना है, एक रास्ता बंद है, ट्रैफिक फंसा है, तो क्या आप बोलोगे चलो छोड़ो या नहीं जाते। अरे ट्रैफिक फंसा है, आप जिम्मेवार आदमी, आप बोले दूसरे रास्ते से चलते हैं, दूसरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम है, तीसरे रास्ते से चलते हैं। देर इज नो फेलियर, याद रखना, ओनली फीडबैक। एक रास्ता बंद है दूसरे से ट्राई करते हैं, दूसरा बंद है तीसरे से ट्राई करते हैं, तीसरा बंद है चौथे से ट्राई करते हैं। सो अगर आप बहानेबाज होगे, इरिस्पॉन्सिबल होगे, तो आप रास्ते में बैठ जाओगे। अगर आप जिम्मेवार होगे, तो आपका गोल जो भी होगा उसको पाने के लिए 10 तरीके ट्राई करोगे और उसे पा ही लोगे। समझ में आ रहा है? ट्रैफिक जाम है, इसका मतलब रुकने की जरूरत नहीं है, कोई और तरीका लगाना है। सो अपने सेल्स टारगेट्स को अचीव करने के लिए 10 तरीके लगा सकते हो। सो तीन बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टैंड लो, गोल इज इंपॉर्टेंट। नंबर टू रिजल्ट ओरिएंटेड बनना जरूरी है। नंबर थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेल्स टारगेट्स की, आपकी है।
अगर आपने ये बिहेवियर हु यू आर में चेंज कर दिया, जो कि किसके हाथ में है, बलजीत आपके हाथ में है, तो आप कोई भी सेल छोड़ो, बिजनेस में, किसी भी जॉब में, स्टडी में, कुछ भी कर रहे हो, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट डिलीवर कर पाओगे, अच्छा पैसा कमा पाओगे, अच्छे इंसेंटिव ले पाओगे, अच्छी ग्रोथ ले पाओगे, एक अच्छी लाइफ बना पाओगे। चॉइस किसके हाथ में है, आपके हाथ में, हु यू आर चेंज करना पड़ेगा। वैसे वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये तीन बिहेवियर अगर आप अपनी लाइफ में ले आए, आप कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी सख्त जरूरत है वीडियो की, उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए जोरबा डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें।